भाई लगातार कितनी सारी स्मार्ट वॉचेस लॉन्च हो रही हैं, आप भी बोलोगे भाई एक के बाद एक कितनी सारी वीडियो डालता जा रहा है, लेकिन क्या करें भाई, ब्रांड जल्दी जल्दी लॉन्च करते हैं और आप मुझे बोलते हो भाई जल्दी जल्दी वीडियो डालो, इसको कवर करो। तो आज भाई हमारे पास एक और नई स्मार्ट वॉच है फायरबोल्ट की, और ये है फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो मैक्स। मतलब कितना ही बड़ा नाम हो गया, सबसे पहले निंजा कॉल आई थी, फिर निंजा कॉल प्रो आई, निंजा कॉल प्रो मैक्स आ गई। अब इसके आगे पता नहीं क्या ही नाम रखेंगे फायरबोल्ट वाले, शायद निंजा कॉल प्रो मैक्स लक्स एडिशन स्पेशल एडिशन, आई डोंट नो। लेकिन इस वॉच में ना, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी फायरबोल्ट किंग, उसमें आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता था अंडर 2000 रुपीज में, और इस वॉच में भी आपको यहाँ पर 2 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसका प्राइस भाई सिर्फ 1500 रुपये। और उसके अलावा ना यहाँ पर आपको जो एज टू एज डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, तो बेजल बहुत ही कम मिलते हैं और 1500 रुपये सिर्फ इसका प्राइस है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, जैसा देख सकते हो मैंने इसे पहना हुआ है। वैसे ये वाला जो कलर है ना ग्रे कलर, मुझे बहुत ही सही लगा था इसलिए पहन लिया था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक ब्लैक कलर वाला वेरियंट भी है, तो इसको अनबॉक्स करेंगे। तो सारी चीज़ें बताऊंगा कैसी स्मार्ट वॉच है, लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये भाई हमारे पास है फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो मैक्स के जो बॉक्सेस, और देख सकते हो ये एक ग्रे कलर में जिसको मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स किया हुआ है, लेकिन एक और मेरे पास जो वेरियंट था यहाँ पर है वो है ब्लैक कलर का, और इसके ऊपर इसके फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ लो। लेकिन जल्दी से ये जो बॉक्स है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और देख सकते हो जो वॉच है ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है। स्क्रीन पर यहाँ पर एक जो स्टिकर लगा है तो वो हटा देते हैं, और देख सकते हो जो वॉच है ये कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है, ठीक ठाक डिज़ाइन है, मतलब नॉर्मल सा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इसमें आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है पो कनेक्टर पिन वाली, और हमेशा की तरह यहाँ पर एक जो डॉक्यूमेंटेशन जो कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो ये तो भाई इसके बॉक्स के कॉन्टेंट है यूजुअल जो फायरबोल्ट की वॉचेज़ में रहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इस वॉच के बारे में जो कि है फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो मैक्स। अब देखो मैक्स लग गया ना, तो सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है जो इस प्राइस में आपको किसी भी वॉच में नहीं मिलेगा, और इस वॉच में 2.01 इंचेस का ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की तरफ थोड़ा सा 3D कर्व टाइप का ग्लास है, तो इसको ऑन करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक जो फंक्शन बटन है ये रोटेटिंग क्राउन नहीं है, ऑब्वियस बात है। उसके अलावा पीछे की तरफ इसके जो सेंसर्स हैं तो हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स रहेंगे, कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन है, और यहाँ पर जो स्ट्रैप्स हैं वो सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं। देखो भाई स्ट्रैप्स की क्वालिटी बोलेंगे यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्ट्रैप्स तो नहीं है, काफ़ी पतले से स्ट्रैप है लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है, और वैसे अगर आप इनको रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस कर सकते हो किसी भी 22mm स्ट्रैप से, बट 1500 रुपये के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इस वॉच में आपको यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो आपको पॉलीकार्बोनेट मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज हुआ है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और देख सकते हो जो वॉच है वो काफ़ी स्लिम प्रोफाइल है इसका। मेटल होती है तो थोड़ा सा और बेटर रहता है, लेकिन फिर उस हिसाब से प्राइस भी है। लेकिन इसके अलावा इसका जो वेट वगैरह भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो इस वॉच का जो ओवरऑल वेट है वो यहाँ पर है 40 ग्राम, तो रात को पहनकर अगर आप सोते हो ना तो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। बाकी जिस वॉच को मैं यूज़ कर रहा था ग्रे वाली, देख सकते हो उसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है, और पर्सनली ना मुझे यहाँ पर ये जो ग्रे कलर है ना काफ़ी सही लग रहा है, सिल्वर यहाँ पर ये जो फ्रेम है। वैसे आपको इन दोनों में से भाई कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आप कमेंट करके बता दो, और ये ग्रे वाली ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा था तो इसी में आपको इसके फीचर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इसके डिस्प्ले की, और देख सकते हो भाई यहाँ पर इस वॉच में जो आपको डिस्प्ले मिलता है 2.01 इंच का, काफ़ी ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन उसके अलावा ना यहाँ पर आप देखोगे ना कि इस वॉच के जो बेजल्स वगैरह हैं वो भी बहुत ही कम है, जैसे देख सकते हो ऊपर और साइड में यहाँ पर बहुत ही कम बेजल्स हैं, नीचे हल्का सा चिन है लेकिन जैसे किसी एंगल पे देखोगे तो बेजल्स हैं बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले लग रहा है, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, बट एक बहुत ही फनी चीज़ मैंने यहाँ पर इस बार नोटिस करी है कि इस बार ना यहाँ पर बॉक्स पे जो बेजल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा दिखाए हैं फायरबोल्ट ने, और इन रियल लाइफ यहाँ पर जो बेजल्स हैं बॉक्स से यहाँ पर काफ़ी कम है, देख सकते हो। हर बार नहीं तो ऐसा होता है कि बॉक्स पे बहुत कम बेजल होते हैं और वॉच में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस बार उल्टा है। 1500 रुपये के प्राइस में इस तरह का डिस्प्ले मैंने तो किसी और वॉच में वैसे नहीं देखा है, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले। डिस्प्ले यहाँ पर LCD है, ऑब्वियसली AMOLED नहीं मिलेगा, लेकिन रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलती है 240x286 पिक्सल की, आई थिंक एक बार डब्बे में बताता हूँ, 240x296 पिक्सल की यहाँ पर रेजोल्यूशन है, ठीक ठाक रेजोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले की जो लुक वगैरह लगती है ना भाई बहुत ही बढ़िया लगती है, देख सकते हो भाई मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी यहाँ पर और भी जो वॉच फेसेस आपको मिलते हैं, तो जैसे मैंने ये वाला वॉच फेसेस के ऐप के थ्रू इंस्टॉल किया था, और देख सकते हो यहाँ पर जो बेजल्स वगैरह बहुत ही कम है, आई थिंक 96% के आसपास यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 96 है शायद 92% है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मिनिमल से बेजल हैं और काफ़ी सही लगा। उसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर हो आउटडोर हो यहाँ पर किसी तरह से विजिबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, काफ़ी यहाँ पर ब्राइट डिस्प्ले है, तो ये सही है। तो लुक के मामले में ना इस डिस्प्ले की वजह से ये जो वॉच है ना भाई बहुत ही बढ़िया लगती है। एस टू एस डिस्प्ले है, 2.01 इंच का सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है इस प्राइस में। लेकिन अब बात करते हैं भाई फीचर्स के बारे में, और फीचर्स वगैरह ना ऑब्वियसली आपको यार सिमिलर से फीचर मिलेंगे जो आपको इस प्राइस पॉइंट में दूसरी वॉचेस में मिलते हैं, लेकिन फिर भी दिखाया था। तो इस वॉच में जैसे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर यहाँ पर क्विक टॉगल बटन है, और स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपके शॉर्टकट कार्ड है, तो एक्टिविटी वाले ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग, यहाँ पर हार्ट रेट, SPO2 का ऑप्शन मिलता है जिसको हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो वेदर की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, वेदर फोरकास्ट दिख जाएगा 5 डेज का। उसके अलावा फोन कॉल के ऑप्शन है, कैलकुलेटर भी आपको मिलता है, प्लस के में टाइप करोगे तो और भी शॉर्टकट कार्ड आप ऐड कर सकते हो, जैसे म्यूजिक कंट्रोल वगैरह करना। उसके अलावा लेफ्ट की तरफ
टाइप करोगे तो रीसेंट ऐप आपको दिख जाएंगे। उसके अलावा मेन्यू एक्सेस करने के लिए यहाँ पर टैप करना, और देख सकते हो इसका जो मेन्यू है ये कुछ आपको इस तरह से दिया हुआ है। और वैसे यहाँ पर आपको लिस्ट स्टाइल में मेन्यू दिया हुआ है, लेकिन इसको चेंज करना है तो सेटिंग में जाकर डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पर आपको मेन्यू व्यू दिख जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो मेन्यू स्टाइल दिख जाएंगे, तो किसी को भी चूज कर सकते हो। जैसे ये वाला जो है वो हनी कॉम ग्रिड स्टाइल है, और देख सकते हो यहाँ पर जो यूआई वगैरह वो काफी स्मूथ है। देखो इस प्राइस में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो यूआई है वो यहाँ पर बोलूंगा कि ठीक है, 30-40 हर्ट्ज के आसपास आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी, फोन कॉल, हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, SPO2, एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर आपको 120 प्लस आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज रिकॉर्ड, वेदर, मैसेज, शटर कंट्रोल, प्लेयर, रिलैक्सेशन, बेसिकली योगा वगैरह करना, उसके अलावा टाइमर, एयर वॉइस असिस्टेंट, अलार्म, स्टॉपवॉच, फाइंड फोन, गेम्स भी आपको मिलती हैं इसमें 3-4, तो ये सही है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, तो ये सही है, कोई मिसिंग फीचर नहीं है। डिस्प्ले में जाएंगे तो डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं, वाइब्रेशन एंड रिंग की सेटिंग चेंज कर सकते हो, DND मोड, पावर मोड, फोन ऑन, उसके अलावा ब्लूटूथ ऑडियो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे, तो ये सही है। फोन रीसेट सिस्टम में जाएंगे तो रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन है। देखो भाई 1500 रुपए की वॉच है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो फीचर वगैरह मिल रहा है मेरे को लगता है कि यहाँ पर काफी बढ़िया है। ऐसा कोई फीचर मुझे मिसिंग लगा नहीं है जो इस प्राइस में होना चाहिए। कैलकुलेटर, गेम्स वगैरह भी मिल रही है इस वॉच में। बाकी हेल्थ रिलेटेड फीचर जैसे हार्ट रेट और SPO2, तो उनको भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले तो पहनने के बाद ये जो वॉच है इसकी जो लुक है ना, देख सकते हो भाई हुमंगस, आपको यहाँ पर 2.01 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, और दिखने में ना जो यहाँ पर डिस्प्ले है काफी सही लग रहा है S2S डिस्प्ले के साथ, तो ये चीज मुझे काफी सही लगी। वैसे तो मेरी मीडियम साइज की रिस्ट है तो उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्प्ले सही है, लेकिन अगर आपकी स्मॉल रिस्ट है ना या फिर जैसे थिन रिस्ट रहती है तो उस पर ये थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो लुक काफी बढ़िया है। ऊपर से यहाँ पर ये जो वॉच है काफी कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, तो ये भी चीज सही है। रात को पहनकर अगर आप सोते हो तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इसका जो हार्ट रेट और SPO2 उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हार्ट रेट उसको यहाँ पर मेजर करेंगे, और मैं यहाँ पर अपनी फिंगर पे एक ऑक्सीमीटर लगा लेता हूँ और देखते हैं यहाँ पर कितनी क्लोज रीडिंग्स रहती है। तो देख सकते हो ऑक्सीमीटर में इस टाइम पे दिखा रहा है 86 बीट पर मिनट, और यहाँ पर वॉच में दिखा रहा है 82, और यहाँ पर जैसे आप इस ऑक्सीमीटर में देख रहे हो 83, तो देख सकते हो काफी क्लोज रीडिंग है। अब 84, 85, 87, तो देख सकते हो बहुत ही क्लोज रीडिंग है। फाइनल यहाँ पर रीडिंग है 85 और यहाँ पर थी 87। बाकी यहाँ पर जो हार्ट रेट के लिए आपको ग्रीन सेंसर मिल रहा है तो ये सही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो SPO2 है उसके लिए आपको यहाँ पर उसमें भी आपको ग्रीन ही सेंसर मिल रहा है, और यहाँ पर इसको भी जो ऑक्सीमीटर से कंपेयर कर लेते हैं तो इस टाइम पे जैसा आप देखते हो ऑक्सीमीटर में दिखा रहा है 97%, और वॉच में यहाँ पर इसने कैलकुलेट कर लिया और बता दिया है 98%, तो यहाँ पर काफी क्लोज है, 1% का डिफरेंस है। लेकिन जैसे बताया भाई इसमें आपको ग्रीन सेंसर मिल रहा है, रेड सेंसर नहीं मिल रहा है। बट एक अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको यहाँ पर जो वेट डिटेक्शन वाला फीचर मिलता है इस वॉच में, तो अगर आपने इस वॉच को नहीं पहना ना तो इस तरह से एक एरर आ जाता है। लेकिन इस वॉच को अगर टेबल पे रख के चेक करें तो कभी कभी ये जो वॉच है रीडिंग शो कर देती है, जैसा देख सकते हो इस टाइम पर एरर आ गया, लेकिन वापस अगर मैं चेक करूं दोबारा से तो इस टाइम पर देख रहे हो कि ये कैलकुलेट कर रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर इस वॉच ने इस टाइम पर टेबल की रीडिंग जो दिखा दी है 73-74, तो सेंसर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है। टेबल पे रीडिंग देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फेक है, अगर आपको पता होगा कि सेंसर्स कैसे काम करते हैं। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ ये जो वॉचेस हैं भाई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज़ करो तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ किया करो। उसके अलावा यहाँ पर इसमें आपको जो कॉलिंग का फीचर मिलता है तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर डायल कर देता हूँ और इसका स्पीकर का वॉल्यूम चेक करेंगे वो कितना लाउड है, और जैसा आप सुन सकते हो कि स्पीकर का वॉल्यूम है वो यहाँ पर काफी डिसेंट है, काफी लाउड है। तो इंडोर हो आउटडोर हो यहाँ पर स्पीकर वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कॉल लेने में, लेकिन माइक की क्वालिटी है उसको मैं आपको सुना देता हूँ। तो अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो यहाँ पर पावरबोल्ट निंजा कॉल प्रो मैक्स के माइक्रोफोन से। भाई नाम काफी बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगता है बोलने में, लेकिन माइक की क्वालिटी जैसा आप सुन सकते हो वो कुछ इस तरह से रहेगी। डिसेंट क्वालिटी यहाँ पर माइक की, तो इस तरह से अगर हाथ रखकर बात करते हो तो कुछ इस तरह से रहेगी, और अगर कुछ काम कर रहे हो थोड़ा सा हाथ दूर है तो ऐसी रहती है माइक की क्वालिटी। तो बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, और कैसी लग रही है माइक की क्वालिटी वो भी आप कमेंट करके बता दो। भाई नाम काफी बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगता है बोल रहे हैं। काफी सही लग रही है मुझे माइक की क्वालिटी, आपको कैसी लग रही है कमेंट कर दो जल्दी से। तो ये है भाई फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो मैक्स। देखो भाई अगर आपको एक बड़े डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच चाहिए जिसमें आपको यहाँ पर जो बेजल्स वगैरह वो भी काफी कम मिले, ऑलमोस्ट H2S बेजल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो इस प्राइस में मुझे लगता है कि बहुत ही सही है। ऑब्वियसली बात है भाई LCD डिस्प्ले, AMOLED डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दिखने में ना ये वॉच ना मतलब लगती नहीं है कि 1500 रुपए की स्मार्ट वॉच है, बहुत ही तगड़ी लगती है। और यहाँ पर फीचर्स वगैरह भी बोलूँगा कि इस वॉच में काफी सही है। बस एक चीज है कि यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलती है, लेकिन उसकी वजह से काफी लाइट वेट है, मेटल बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती है। तो आपको कौन सी पसंद आती है वैसे, मेटल या फिर पॉलीकार्बोनेट, वो आप नीचे कमेंट करके बता दो। तो अगर आपको एक बड़े डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच चाहिए H2S डिस्प्ले के साथ तो डेफिनेटली यहाँ पर आप फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो मैक्स, भाई बहुत ही बड़ा नाम हो गया, तो इसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपने इस वॉच को खरीदना होगा, इसके जो फीचर्स, इसके लुक वगैरह अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो आपको कैसी लगी ये वॉच आप नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी और किसी वॉच की वीडियो देखनी होगी तो वो भी नीचे कमेंट कर दो, और वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।